हेलो एवरीवन, आई होप आप सब घर पे ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख रहे होंगे। क्लास 9th ज्योग्राफी है ना, चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो कल हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने क्या क्या देखा। हमने देखा, जस्ट अ मिनट, हमने देखा कि कैसे किसी इंडिया में जो फ्लोरा फौना होता है किसी भी देश में, उस पर किन किन चीज़ों का असर पड़ता है ना। हमने देखे रिलीफ फीचर जिसमें लैंड स्वाइल, हमने देखा क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें हमने टेम्परेचर की बात की, फोटो पीरियड सनलाइट पीरियड की बात की, प्रिसिपिटेशन उस एरिया में होने वाला रेनफॉल की बात की है ना। तो अब उसके आधार पे जो फॉरेस्ट एरिया होता है किसी भी कंट्री का, उसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कुल मिला के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमारे कंट्री में, इंडिया में पाए जाते हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं है ना, उनका नाम पता होना चाहिए। ठीक, तो कौन कौन से ये नाम हैं। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। पहला कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड वाला है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड सब्स। फोर्थ है माउंटेन फॉरेस्ट है ना। ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है ना, इसको आप रिलेट कीजिए माउंटेन बर्ड से, माउंटेन आने पर्वत पहाड़ वहां पाए जाने वाले बर्ड। और फिफ्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना। नाम आपको याद होने चाहिए, उसके बाद हम एक एक करके डिटेल में इन सभी के बारे में देखने वाले हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन से फॉरेस्ट का क्या काम है। अब देखिए जरा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच में पूरा कंट्री बसा हुआ है ना। मतलब नीचे वाला जो एरिया है, पूरा तो नहीं, नीचे वाला जो एरिया है, तो इस रीजन में पाए जाने वाले फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहा। क्योंकि देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच की जो जलवायु होती है, जो तो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल कंडीशन। और तो इसलिए इस एरिया में जिस टाइप के फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं उनको ट्रॉपिकल कहते हैं। अब एवरग्रीन है ना, आपको यहीं से समझ जाना चाहिए एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका मतलब क्या है। ये जो जंगल है ना, वो साल भर हरे भरे रहते हैं। इनमें किसी भी टाइप का आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि साल के किसी वक्त वहां पे पूरे पत्ते गिर गए। नहीं, ये कैंसे फॉरेस्ट हैं, ये साल भर हरे भरे रहने वाले फॉरेस्ट हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। ये जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, ये वहां पाए जाते हैं जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेनफॉल होता है। और आपको पता है, देखिए नाम से ही समझ जाइए, एवरग्रीन है, सदा हरे भरे रहते हैं। तो हरे भरे रहते हैं तो इसका मतलब उनको साल भर पानी मिलता है, या बहुत ज़्यादा टाइम तक उनको पानी मिलता है, या उस ज़मीन में इतना पानी रहता है कि उनको साल भर पानी की कोई कमी नहीं होती है। तो ऑब्वियसली ऐसे एरिया में पाए जाएंगे जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो उसके लिए जो आंकड़ा है वो है 200 सेंटीमीटर और अबव, कि कम से कम 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल होना चाहिए वहाँ पे। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इनको बोलते हैं सदाबहार वन हिंदी में, जो सदैव भरे भरे रहते हैं। तो इतना कम से, और शॉर्ट सीजन होना चाहिए वहाँ पे। जो गर्मी का सीजन होता है वो कैसा होना चाहिए, ड्राई सीजन, सूखा सीजन छोटा होना चाहिए। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर आप इंडिया के मैप को देखिए तो इंडिया में मानसून विंड्स यहाँ से आती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। मानसून विंड्स यहाँ से भी आती हैं है ना। तो जब ये तो अब देखिए, ये है आपका ईस्टर्न घाट और ये है आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट घाट में ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है साल भर, काफ़ी काफ़ी
साल भर तो नहीं होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी गिरता है यहाँ पे। तो इस वजह से ये वेस्टर्न घाट के जो जंगल है ना, तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य आ जाते हैं आपको पता होना चाहिए ना, कौन कौन, या वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट हैं बता सकता है कोई, बताइए कमेंट में, है ना। चलिए तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल्स आपको चाहिए। अब कौन कौन सा, देखिए वेस्टर्न घाट में चलिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड की क्या पोजीशन है तो खुद देख लीजिए, ये आपका इंडिया का मैप है, नीचे की तरफ से बनाता हूँ। यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिखेंगे, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड दिखेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली चाहे मानसून यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, दोनों ही केस में यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा असम और तमिलनाडु, तो इसके बाद क्या है, असम और तमिलनाडु, है ना। ये हो गया असम, ये हो गया तमिलनाडु, है ना। तो ये यहाँ पे भी आपको 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आपको ऐसे ही फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे जो ट्रीज़ है ना, इनकी एक खास बात है कि इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है तो आप देखिए 60 मीटर्स और इवन अबव 60 मीटर से ज़्यादा, अगर आप इसको फीट में किट करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, अराउंड 150 फीट के अराउंड इतने ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पेड़ होते हैं, उससे बड़े भी। सिंस द रीजन इज वार्म एंड गेट थ्रू द थ्रू आउट द ईयर, इट हैज लग्जीरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड ट्रीज। आप देखिए यहाँ पे जो मेन जो ट्रीज कौन कौन से प्रकार के ट्रीज पाए जाते हैं, तो सब्स क्या होती हैं, हरी भरी झाड़ियाँ, एंड क्रीपर्स, है ना, बेल, जो बेल के फॉर्म में होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, है ना। दीज आर देर आर नो डिफाइंड टाइम फॉर ट्रीज टू सेट देयर लीफ, एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना, उनके लिए कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, है ना, कि साल के किसी खास समय पे सारे के सारे जो ट्रीज हैं वो अपनी पत्तियां गिराते, नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं है। जिस पेड़ को जब मन होता है वो अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, पुरानी पत्तियां, और नई पत्तियां वहां पे आती रहती हैं। तो इसलिए साल भर जो है ना, इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ पे आपको हरा भरा देखने को मिल जाएगा। ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा जंगल सूख गया है, नहीं, साल भर हरा भरा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस जंगल का थोड़ा सा, ये देखिए नीचे ग्राउंड लेयर में आप देखोगे तो हरी भरी झाड़ियाँ हैं, उसके बाद थोड़े छोटे वृक्ष हैं जो 1.5 मीटर सब्स तक, है ना, उसके बाद 5 मीटर वाले वृक्ष हैं, फिर यंग ट्रीज जो बड़े हो चुके हैं ना, नीचे बच्चे हैं ऊपर यंग ट्रीज, और उसके बाद जो ओल्ड ट्रीज 20 मीटर, है ना, और उससे भी ज़्यादा बड़े ट्रीज। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो ट्रीज है ना वो एक कैनोपी बना लेते हैं। अब कैनोपी क्या होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस टाइप से हरा भरा बिल्कुल पूरा जंगल होता है, है ना। यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो कैनोपी जो बनाते हैं ट्रीज, वो किस टाइप से अपनी कैनोपी बनाते हैं। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, काफ़ी हरे भरे हैं, है ना। जस्ट अ मिनट, ओके। तो फिलहाल तो मेरे पास कोई ऐसा फोटो है नहीं, मैंने चेक किया। तो कैनोपी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ट्रीज होते हैं वो इतने हरे भरे और इतने बड़े होते हैं कि वो ऊपर से एक अच्छा दूसरे के एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। अब देखिए मान लीजिए बहुत सारे ट्रीज आप लगा दीजिए, एक दूसरे के पास पास हैं और ऊपर से काफ़ी हरे भरे हैं, तो ये ना इस तरह से कवर कर लेते हैं कि ऊपर आसमान दिखाई नहीं देता, और जो सन की जो रेज हैं वो नीचे ज़मीन तक आ नहीं पाती हैं। अब सन की रेज जब ज़मीन तक नहीं आ पाती हैं तो रेनी सीजन में जो पानी नीचे रहता है वो वहाँ जमा रहता है, है ना। बहुत ज़्यादा घने ये जंगल होते हैं। अब यहाँ पे ये इंडिया का मैप, इस मैप में आप आसानी से देख सकते हैं कि जो हरा रंग है वो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, है ना, ये हो गया हमारा तमिलनाडु वाला रीजन, ये यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, और अगर आप इधर जाएंगे तो आसाम वाला जो रीजन है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल वही रीजन है ना, यहाँ से मानसून आता है, यहाँ से मानसून आता है, ये मानसून बे ऑफ बंगाल, है ना, और यहाँ रिट्रीटिंग मानसून की वजह से यहाँ से आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर
एवोनी, महागनी, रोजबुड, रबर एंड सिंकोना, है ना, जो यहाँ पे जो मेन प्लांट्स पाए जाते हैं, है ना। वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं लेकिन जो कमर्शियली यूजफुल है ना, जिनसे हम किसी भी तरह से पैसा कमाती है हमारा गवर्नमेंट, तो क्या क्या है, एवोनी, महागनी, है ना, महागनी आपने सुना होगा, रोजवुड और रबर प्लांट, रबर प्लांट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, और सिनकोना, ये जो प्लांट्स हैं इनसे गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ आय होती है, और ये कमर्शियल यूज़ के लिए, कुछ मेडिसिन यूज़ के लिए है, और कुछ रबर प्लांट का तो रबर बनाने के लिए होता है, रोजवुड सेंटेड चीज़ें बनाने के लिए, और महागनी वगैरह फर्नीचर के लिए। द कॉमन एनिमल, अच्छा अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी पाए जाएंगे, तो वो कौन कौन से हैं, द कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर एंड वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस आर फाउंड इन जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, है ना। हाथी, बहुत हाथी, बंदर, लेमूर, हिरन, और ये सारे जान, हाँ, वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस जो है वो आसाम में पाया जाता है मेनली, हर जगह नहीं, ठीक। बिसाइड दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड, है ना, बहुत सारी पक्षियों की प्रजाति, चमगादड़, रेंगने वाले जीव, है ना, स्कॉर्पियंस और स्नेल्स आने घोंगा, इनकी भी बहुत सारी प्रजाति, क्योंकि नीचे गीला रहता है ना, तो उस टाइप के थोड़े जो एक्वाटिक से रिलेटेड एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ। तो ये तो हमारा हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड नंबर पे पाए जाने वाले जो जंगल है वो है ट्रॉपिकल डेसुडियस फॉरेस्ट, है ना। तो अब ये जंगल कहाँ पे पाए जाएंगे, दीज आर द मोस्ट बायोडिस्पेयर्ड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, इन हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन पे अगर कोई जंगल पाए जाते हैं तो यही पाए जाते हैं, आप खुद मैप पे देख लीजिए, है ना, कौन सा कलर है जो इस टाइप के जंगलों को मेंशन कर रहा है, तो ये वाला कलर सेकेंड नंबर पे। अब इंडिया के मैप में देखिए, ये पूरा रीजन, है ना, ये क्या है, थोड़ा सा नीचे भी आ जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम यही देखने को मिलेगा, है ना। ये देखिए ट्रॉपिकल डेसुडियस फॉरेस्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जंगल अगर आपसे कोई पूछ ले तो वह है ट्रॉपिकल डेसुडियस फॉरेस्ट। अब इनके लिए क्या कंडीशन है, तो ये 700 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक का जो रेनफॉल होता है जिस पर्टिकुलर रीजन में, तो वहाँ पे इन जंगल, ये जंगल्स पाए जाते हैं। अब इन जंगलों की एक खास बात होती है, दीज आर द सॉरी ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन ड्राई समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा सूखा सीजन आ जाता है, तो ये ट्रीज क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को 6 to 8 हफ्ते के लिए, जो गर्मियों का सीजन होता है ना उसमें, ये अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लांट में क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं ना उनसे प्लांट जो भी वाटर नीचे से लेता है रूट के थ्रू, वो पत्तियों के थ्रू उसको छोड़ देता है एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए वो प्लांट क्या करता है, अपनी पत्तियां गिरा देता है, उससे क्या होता है, पानी की बचत होने लगती है, कम पानी में भी वो अपना गुजारा कर लेता है। और ये सब एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, सारे के सारे ट्रीज एक ही टाइम पे अपनी पत्तियां गिरा देंगे, तो जब उस पर्टिकुलर सीजन में आप इन जंगलों में जाओगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि भैया बिल्कुल सूखा पड़ा है यहाँ पर, सब कुछ सूख जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। अब देखिए जरा इन जंगलों को ना पानी की अवेलेबिलिटी, अब देखिए काफ़ी लंबा रेंज है, 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो इस पूरे में जो जंगल पाए जाएंगे वो तो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में और बांटा गया है, कौन से दो पार्ट हैं, तो पहला है कि मोस्ट एंड ड्राई डेसुडियस फॉरेस्ट, मोस्ट है ना जो जहाँ थोड़ा सा रेनफॉल ज़्यादा है, और ड्राई मतलब जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर। तो देखिए जरा अपना पहला रेंज क्या था, 70 से 200 तक का, है ना। अब यहाँ पे भी जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ रेनफॉल हो रहा है वहाँ पे कौन से होंगे, मोस्ट डेसुडियस फॉरेस्ट। ये कहाँ पे है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और फुटहिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय का जो निचला एरिया है ना, हिमालय जैसे मान लीजिए शुरू होते हैं तो इसका जो निचला एरिया है फुटहिल्स, फुटहिल्स मतलब जहाँ से पर्वत शुरू होता है, उस रीजन में भी इस टाइप के जंगल पाए जाते हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और वहाँ पाए जाते हैं। अब इन जंगलों के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीज हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए,
बैम्बू, सॉल, सीसम, सैंडवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी एंड अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य जंगल है। दूसरा, द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। अब ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाएंगे? ये उस रीजन में पाए जाएंगे जहाँ पे रेनफॉल कितना है, 70 to 100, है ना, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच, 100 से 200 तक मोस्ट, है ना, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच कौन सा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, मैं ये पाए जाते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, टीक, साल, पीपल, नीम, ये वृक्ष वहाँ पे मेनली देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इन एरियाज में क्या हुआ है ना, ये ज़्यादातर जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या किया है लोगों ने, इन जंगलों को काट के और ज़्यादातर जमीन को खेती के लिए उपयोग करने लगे। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स, अच्छा यहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है लॉयन, टाइगर, पिग, सुअर, डियर और एलिफेंट। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, छिपकलियों की प्रजातियाँ होती हैं, सांपों की प्रजातियाँ होती हैं और कछुए वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा दूसरा। आप सिक्वेंस में याद रखिए, 200 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है ना, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिल रहा है। इन फॉरेस्ट की क्या खास बात है कि साल में किसी खास समय पे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब यहाँ इनको भी दो पार्ट में बांटा है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। इनमें आपको कुछ पेड़ों के नाम याद रखने हैं कौन कौन से मेन हैं, और उसके बाद 70 से 100 सेंटीमीटर तक के एरिया में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर आ जाने वाले पेड़ों को भी अब आपको नाम याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट कौन से एरिया में होंगे जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से लेस, है ना, 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे आपके कौन से फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और सब्स। अब थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न आप खुद ही समझ रहे हैं, कटीली झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाएंगी। इन रीजन्स विथ लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। बुश यानी क्या होती है, झाड़ियाँ, है ना। तो ऐसा एरिया जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है वहाँ पे झाड़ियों वाले जंगल आपको देखने को मिलेंगे। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ कहाँ है, ऊपर, वेस्ट किधर है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, अगर ये मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट आप समझ जाइए कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, राजस्थान, है ना, तो गुजरात, थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी ले लीजिए। हाँ, तो कहाँ कहाँ पे, मेनली राजस्थान, सबसे मेन इसका जो हब है वो राजस्थान है। तो इस टाइप का वेजिटेशन जो पाया जाता है या जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो कहाँ पे पाए जाएंगे, आपके राजस्थान में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। क्यों, नॉर्थ वेस्ट रीजन में सबसे कम बारिश होती है। मैंने आपको क्लाइमेट वाले चैप्टर में बताया था, जो माउंटेन विंड्स हैं वो ऐसी आती हैं और ऐसी निकल जाती हैं, एरिया बच जाता है, यहाँ पे बारिश ही नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे आपको थॉर्नी फॉरेस्ट और सब देखने को मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह वगैरह में। अब इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स। अब यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं भैया, रैट, चूहे, रैबिट, खरगोश, फॉक्स, लोमड़ी, बॉल, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज और कैमल्स। बिल्कुल सही है, कैमल्स तो पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा ना। और डेजर्ट में प्लांट्स की बात करें तो क्या, कैक्टस आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ छोटी छोटी जो झाड़ियों टाइप वाले वृक्ष होते हैं ना वो आपको देखने को मिलेंगे। कोई बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ, ये देखिए यहाँ पे है भी, इस टाइप के आपको प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और छोटी छोटी सूखी झाड़ियाँ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट को आपको रिलेट करना है माउंटेन से, है ना, माउंटेन्स में पाए जाने वाले फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट कह रहे हैं। अब माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाएंगे, ऑब्वियसली माउंटेनियस रीजन में, जहाँ पे पहाड़ होंगे वहीं पे माउंटेन फॉरेस्ट भी होंगे, समझ रहे हैं ना।
माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस रीजन में, तो इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। देखिए जा माउंटेन्स में क्या होता है, हाइट बढ़ती है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे धरती से, सी लेवल से ऊपर जाएंगे, तो वहाँ टेम्परेचर कम होता जाता है। तो माउंटेन्स में क्या है, आप एल्टीट्यूड बढ़ा, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, और टेम्परेचर जब कम होगा तो वहाँ जो वेजिटेशन या पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं उनमें भी फर्क आने लगता है ना। कम टेम्परेचर में अलग टाइप के प्लांट शुरू करते हैं। एज सच देयर इज सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज बी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। देखिए टुंड्रा रीजन क्या होता है, टुंड्रा रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे साल भर बर्फ पड़ी रहती है, ऐसी जगह जहाँ पे साल भर बर्फ रहती है उस रीजन को टुंड्रा रीजन बोलते हैं, है ना। तो अब सेम देखिए एक ही माउंटेन है, मान लीजिए माउंटेन है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इधर जैसे जैसे ऊपर जाओगे कम होता जाएगा, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा, और ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो थोड़ा ऊपर जाओगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तो बर्फ मिलने लगी तो टुंड्रा। तो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल से टुंड्रा, इस टाइप का आपको जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज देखने को मिलता है किसी माउंटेन्स पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो। तो द बेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 to 2000 meters। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक, चेस्टनट वगैरह के प्लांट यहाँ पे पाए जाएंगे। कौन सी हाइट पे, 1000 मीटर से 2000 मीटर की हाइट पे। अब अगर आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे 1500 से 3000 मीटर की अगर हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो काय के फॉरेस्ट जंगल मिलेंगे आपको, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सेडार के वृक्ष देखने को मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउथर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय। जो हिमालय माउंटेन है उसका साउथर्न पार्ट, मतलब जो इंडिया की तरफ वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे आपको ये वृक्ष पूरे देखने को मिलेंगे। प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट हायर एलिवेशन टेम्परेचर ग्रासलैंड आर कॉमन। अब ज़्यादा और ऊपर जब आप चले जाते हो ना तो वहाँ पे आपको पेड़ पौधे, जब ज़्यादा ऊपर जाओगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ी बहुत घास देखने को मिलेगी, और ऊपर चले जाओगे तो घास भी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो अल्टीमेटली थ्रू सब्स एंड सब्स दे आर मर्ज इनटू ए अल्पाइन ग्रासलैंड, है ना। जब आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे ना तो आपको थोड़ा पहले तो ग्रास देखने को मिलेगी, और फिर धीरे 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 आप पहुँचते जाइए ऊपर तो आपको घास भी देखने को वहाँ पे मिलने वाली नहीं है। अब लास्ट हमारा जो है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना। देखिए मैंग्रोव क्या है, हिंदी में इनको मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंग्रोव पेड़ पौधों की एक खास तरह की प्रजाति है, है ना। और इस खास प्रजाति में क्या है कि ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं, है ना, इनकी जो रूट्स होती हैं ना वो हमेशा पानी में डूबी हुई रहती हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, ये डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं, और टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या होता है, कोई एक नदी जब समुद्र में मिलती है, हाँ, तो मिलने से पहले वो फैल जाती है, तो समुद्र के किनारे, तो यहाँ पे पूरे एरिया में कीचड़ वीचड़ होता है, पानी भरा रहता है परमानेंट। और ओशियन में हाई टाइड और लो टाइड आता है, जब हाई टाइड आता है तो पानी इधर तक आ जाता है, लो टाइड के टाइम पे पानी इधर, लो टाइड के टाइम पे नदी का पानी समुद्र में जाता है, हाई टाइड के टाइम पे समुद्र का पानी ऊपर की तरफ आता है। तो खारा और मीठा दोनों टाइप का पानी एक ही जगह पे पाया जाता है, और परमानेंट वहाँ पे पानी भरा रहता है उस पर्टिकुलर रीजन में, ऐसे रीजन को बोलते हैं डेल्टा, है ना। और इस रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स को, वो जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट उगाते हैं ना, और इन प्लांट्स को अपन बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब नीचे अगर आप देखोगे ना तो हमेशा यहाँ पे एक तो मड कीचड़ वाला एरिया देखने को मिलेगा, मड होती है बहुत सारा, सिल्ट होता है, क्योंकि मिट्टी जो नदियाँ अपने साथ वहा के लाती हैं वो पूरा यहाँ पटक देती हैं वो समुद्र से पहले, ओशियन से पहले, और वो यहाँ से आपको सैंड आती है, दोनों का मिक्सचर पूरा मड कीचड़ में बना रहता है। पर जो प्लांट होते हैं वो यहाँ पे बढ़िया बहुत बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत घने फॉरेस्ट होते हैं, है ना। तो विथ रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर, यहाँ जो जड़ें होती हैं वो परमानेंट पानी में डूब जाती हैं। अच्छा देखिए इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं हमारे यहाँ। अगर आप देखोगे तो कुछ नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, है ना। ये जो नदियाँ हैं ना समुद्र में
जाने से पहले बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। इवन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर जो डेल्टा बनाती है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। इसका कुछ भाग इंडिया में आता है, कुछ बंगाल में आता है, सॉरी बांग्लादेश में आता है ना, इंडिया के वेस्ट बंगाल और इंटरनेशनली देखा जाए तो बांग्लादेश में। तो वहाँ पे जो डेल्टा है ना गंगा ब्रह्मपुत्र, उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक खास तरह का ट्री पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी, है ना, इसलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। अब ड्यूरेबल एंड हार्ड टिम्बर, यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जा रहे हैं, कोकोनट, केओरा, आगर, ये वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। अब एनिमल्स की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। इस टाइप के जंगलों में आपको बंगाल टाइगर जो होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सुंदरबन जो है ना वहाँ पे आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। इसके अलावा टर्टल्स, कछुए, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स भी यहाँ पे, और साथ ही साथ सांप देखने को आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपसे पूछ ले कि सुंदरबन कहाँ है, तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों में है। यहाँ का मेन वृक्ष क्या है, सुंदरी वृक्ष है, और साथ ही साथ मेन एनिमल यहाँ के कौन कौन से, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स और रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक, अब देखिए कुछ और प्लांट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमको देखना है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इंडिया देश का जो नाम जाना जाता है यहाँ पाए जाने वाली जड़ी बूटियों और मसालों के लिए। 2000 से ज़्यादा प्लांट का हमने आयुर्वेदिकली यूज़ सीख लिया है, और उसमें से 500 तो ऐसे ही हम जो डेली यूज़ करते हैं, जैसे तुलसी वुलसी हो गया, हल्दी हो गया, इनको हम हर कोई जानता है, हमारे इधर हर कोई किसी भी प्लांट से मेडिसिन बना लेता है। तो यूनियन लिस्ट हैज नेम 352 मेडिसिन प्लांट्स, ऑफ विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटन्ड एंड 49 एंडेंजर्ड। तो हमारे देश में जो हमारी सरकार है उसने 352 मेडिसिन प्लांट्स की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें से 52 जो है ना बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं और 49 खत्म हो चुके हैं। तो अब तक कुछ खास मेडिसिनल प्लांट के यहाँ पे नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है सर्पगंधा। सर्पगंधा का क्या यूज है, यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। सर्पगंधा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है, ब्लड प्रेशर के इलाज में यूज होता है। दूसरा है जामुन। जामुन आपने बहुत खाया है ना, द जूस फ्रॉम राइप रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर। जामुन की जूस का विनेगर में बनाने के लिए यूज होता है ना, और फिर विनेगर के बहुत सारे यूज है ना, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है इसका पाउडर। नेक्स्ट है अर्जुन। द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज क्योर फॉर ईयर एक, इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। अर्जुन जो वृक्ष होता है ना उसकी पत्तियों का जूस अगर आप पीते हो तो कान के दर्द को मिटाने में काफ़ी यूजफुल होता है, और अर्जुन वृक्ष की जो छाल होती है ना उसको पानी में उबाल के अगर आप पीते हो तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। जिनको जिनको ब्लॉकेज वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो उनके लिए अर्जुन वृक्ष की छाल को पानी उबाल के पीना बहुत ही अच्छा है। बबूल। लीव्स आर यूज एज ए क्योर ऑफ आई सोर्स, इट्स गम इज यूज एज ए टॉनिक। बबूल का पेड़ होता है, उसकी पत्तियों का आंखों के इलाज में कहीं यूज़ होता है, और उसमें बबूल पे जो गाद लगती है ना, गम लगती है, उसका हम खाने पीने में, लड्डू बनाने में, अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। नीम, आप जानते हैं नीम के बहुत सारे यूज़ हैं, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल की तरह। तुलसी, जब भी जुकाम खांसी होती है जाइए तुलसी ले आइए और चाय में डाल के पी लीजिए। और कचनार, कचनार इज़ यूज टू क्योर अस्थमा और अल्सर। जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है या जिसको मुंह में छाले वगैरह होते हैं उसमें कचनार का वो काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक, तो ऐसे कई प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस। इंडिया इकलौता देश है जहाँ पे टाइगर भी पाए जाते हैं, लॉयंस भी पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन इज़ द गिर फॉरेस्ट गुजरात, है ना। गुजरात में एक जंगल है जिसका नाम है गिर फॉरेस्ट, है ना, गिर के जंगल, और वो क्या है, टाइगर्स का नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे वो शुरुआत से रह रहे हैं। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, बिल्कुल इवन मध्य प्रदेश में गुजरात से भी ज़्यादा टाइगर्स हैं, है ना। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में भी टाइगर्स पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं, लेपर्ड, तेंदुआ पाया जाता है। तो ये सारे ही जो कुल मिला के सब कैट बिल्ली की फैमिली के हैं, ये सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं खत्म करते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे हमारे कंट्री में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ को, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है,
अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अभी तक अच्छा लग रहा होगा। जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे या कमेंट में, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कल एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा इसी चैप्टर पे, जिसमें हम इंडिया में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।